हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? होपफुली अच्छे होंगे। और मैं आपको बता दूं, मैं भी अच्छा हूं। तो बेटा, आज की क्लास में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना न्यू टॉपिक, जिसमें करेंगे हम तीन पार्ट को कवर, एडवांस टैक्स, टीडीएस एंड टीसीएस। इन तीन प्रोविजंस को बेटा हम करेंगे इस चैप्टर में कवर। चलिए शुरू करते हैं। चलिए बेटा, चैप्टर के ओवरव्यू को समझते हैं। हम इस चैप्टर को, जैसा कि मैंने आपको बताया, तीन पार्ट में करेंगे। टैक्स डिडक्शन एट सोर्स टीडीएस, एडवांस टैक्स और टैक्स कलेक्शन एट सोर्स दैट इज टीसीएस। तीन पार्ट में हम इसे डिवाइड करते हैं। टीडीएस में जो हम प्रोविजन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे बेटा सेक्शन 192 से लेके 196 तक के। ये टीडीएस डिडक्ट करने के प्रोविजन यहाँ पर बताए जाते हैं। नेक्स्ट आता है बेटा सेक्शन 197। इस सेक्शन में एसएससी जो है बेटा एओ के पास एक एप्लीकेशन लगा सकता है कि उसका जो टीडीएस डिडक्ट किया जाए वो लोअर रेट पे किया जाए। नेक्स्ट इस सेक्शन 197A जो बात करता है कि सर्टेन केसेस में टीडीएस डिडक्ट करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। नेक्स्ट इस सेक्शन 198 to 206AA जो मिसलेनियस प्रोविजन की बात करता है। चलिए एडवांस टैक्स में हम पढ़ेंगे बेटा 207 से लेकिन 208 जो बात करता है लाइबिलिटी टू पे एडवांस टैक्स। सेक्शन 209 बात करता है कंप्यूटेशन ऑफ एडवांस टैक्स और सेक्शन 211 बात करता है बेटा इंस्टॉलमेंट ऑफ एडवांस टैक्स एंड एडवांस टैक्स की ड्यू डेट्स के बारे में। सेक्शन 219 बात करता है क्रेडिट ऑफ एडवांस टैक्स और सेक्शन 234B एंड 234C ये बात करते हैं कि अगर एडवांस टैक्स पे नहीं किया गया या शॉर्ट पे किया गया तो उस केस में इंटरेस्ट की कैसे एप्लीकेबिलिटी हुआ करती है। नेक्स्ट इज टीसीएस। तो टीसीएस के जो प्रोविजन है वो बेटा है सेक्शन 20C में और उसके बाद हम समझेंगे बेटा टीडीएस और टीसीएस का डिफरेंस और लास्ट में देखेंगे बेटा कॉमन नंबर फॉर टीडीएस एंड टीसीएस सेक्शन 203A में। ठीक है, तो ये चैप्टर का हमारा ओवरव्यू रहने वाला है। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे बेटा टीडीएस के प्रोविजन। चलिए चैप्टर के प्रोविजन पढ़ने से पहले मैं आपको टीडीएस चैप्टर का थोड़ा सा ओवरव्यू देना चाहता हूँ। तो देखिए बेटा, टीडीएस क्या है? गवर्नमेंट ने कुछ ऐसी ट्रांजेक्शन फिक्स की हुई है कि सर्टेन ट्रांजेक्शन अगर एसएससी करता है तो उन ट्रांजेक्शन पर एसएससी का टैक्स डिडक्ट होना चाहिए, टैक्स कटना चाहिए। तो वो सारी ट्रांजेक्शन जो है बेटा हम डील करने वाले हैं टीडीएस चैप्टर में। चलिए बेटा, बात करते हैं उन ट्रांजेक्शन की जहां पर टीडीएस के प्रोविजन अट्रैक्ट होते हैं। सबसे पहला जो सेक्शन आता है बेटा वो आता है हमारा सेक्शन 192, नेचर ऑफ पेमेंट एज सैलरी। अगर सैलरी की पेमेंट हो रही है एक एसएससी को तो सैलरी पर बेटा टीडीएस डिडक्ट हो जाएगा अगर उस सैलरी की जो इनकम है वो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट को एक्सीड करती है। बेसिक एग्जम्पशन लिमिट याद करिए बेटा, 60 ईयर से अगर एज कम है तो 2,50,000, 60 ईयर से ज्यादा है 80 ईयर्स तक है तो उस केस में 3 लाख। ठीक है, ऐसे केसेस की बात करी जा रही है। इन केस जो एम्प्लॉय है, जो असेसी है, उसे सैलरी रिसीव हो रही है बेटा और जो सैलरी की अमाउंट है वो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट को एक्सीड कर जाती है तो उस केस में बेटा टीडीएस की रिक्वायरमेंट हो जाएगी। सेक्शन 192 के अकॉर्डिंग जो पर्सन रिस्पॉन्सिबल है सैलरी इनकम को पे करने के लिए वो बेटा टीडीएस डिडक्ट करेगा उस पर्सन का जो अमाउंट रिसीव कर रहा है। यानी पेयर जो होता है बेटा वो टीडीएस डिडक्ट करता है। एक बात ध्यान रखना, सारे के सारे केसेस में जो पर्सन पेयर है यानी जो अमाउंट पे कर रहा है वो ही टीडीएस डिडक्ट करेगा। ठीक, चलिए रेट क्या रहने वाला है टीडीएस का? तो लॉ बात करता है कि जो एवरेज रेट होगा इनकम टैक्स का वो यहां पर टीडीएस का रेट होगा। अब क्वेश्चन जो अराइज होता है वो ये कि सर एवरेज रेट ऑफ टीडीएस क्या होता है? तो आइए बेटा समझते हैं कि एग्जाम्पल से कि एवरेज रेट ऑफ टीडीएस क्या होता है। रिलायंस कंपनी बेटा पेमेंट करती है अपने एक एम्प्लॉय को जिसका नाम है मिस्टर ए। ठीक है, रिलायंस कंपनी क्या हो गई? एम्प्लॉयर। और मिस्टर ए कौन है? मिस्टर ए है एम्प्लॉय। ठीक है, मिस्टर ए की जो एज है बेटा वो है 35 ईयर्स और सैलरी जो दे रही है रिलायंस कंपनी मिस्टर ए को वो दे रही है बेटा ₹6 लाख। अब फटाफट से आप 6 लाख की अमाउंट पर टैक्स कंप्यूट कर दीजिए एक बार। टैक्स ऑन ₹6 लाख कितना आएगा बेटा? 6 लाख में से माइनस करिए 5 लाख, कितना आया? 1 लाख इंटू 20% कर दीजिए प्लस 12,500, ये आया बेटा 32,500। ठीक है, अब इसमें 4% का सेस ऐड करिए बेटा, कितना आएगा?
ये आया बेटा 33,800, ठीक है। टोटल सैलरी कितनी रिसीव हुई बेटा मिस्टर ए को? मिस्टर ए को सैलरी जो रिसीव हुई सर वो हुई 6 लाख। और टैक्स कितना पे कर रहा है मिस्टर ए? मिस्टर ए पे कर रहा है सर 33,800। यानी इसका मतलब ये हुआ कि 6 लाख की इनकम जो मिली सैलरी की असेसी को, उस पर उसने 33,800 रुपये का टैक्स पे किया बेटा। तो एवरेज रेट ऑफ टैक्स क्या हुआ? यानी 6 लाख पर 33,800 टैक्स पे किया, तो रेट ऑफ टैक्स क्या पड़ा? ये कैसे कंप्यूट करेंगे? ये करेंगे सर हम 33,800 डिवाइडेड बाय 6 लाख इंटू 100, एवरेज रेट यहाँ से कंप्यूट हो गया। और जो रेट आया सर वो आया 5.6333%। मैं बायर लगा देता हूँ बेटा इस पे 3 पर, ठीक है। तो एवरेज रेट ऑफ टैक्स क्या हो गया बेटा इस केस में? एवरेज रेट हो गया 5.63%, ठीक है। तो जो एम्प्लॉयर है यानी रिलायंस कंपनी है, वो जब असेसी का टीडीएस डिडक्ट करेगी, वो इस रेट से टीडीएस डिडक्ट कर लेगी। समझ आ गया बेटा? नेक्स्ट बात करते हैं बेटा टाइम ऑफ डिडक्शन, यानी एम्प्लॉयर कब टीडीएस डिडक्ट करेगा। तो लॉ बात करता है एट द टाइम ऑफ पेमेंट, जब सैलरी की पेमेंट की जा रही है उस टाइम पर जो है बेटा टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा। अब कुछ पॉइंट्स जो हैं उन्हें ध्यान कर लीजिए सैलरी के टीडीएस के रिगार्डिंग। एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई थी बेटा, आईटीसी होटल्स का नाम सुना होगा आपने, उसी की जजमेंट की आज हम बात करने वाले हैं। हुआ क्या था, आईटीसी के जो होटल्स हैं वहाँ पर उनके वेटर्स भी काम करते हैं बेटा होटल में, और जो वेटर्स हुआ करते थे उन्हें जो कस्टमर होते थे वो टिप दे दिया करते थे। कभी कभी वेटर्स जो अवेलेबल नहीं होते थे एट द मोमेंट, तो जो कस्टमर आया करते थे होटल में वो स्पेसिफिकली जब वो चेकआउट किया करते थे तो जो वहाँ पर मैनेजर वगैरह होता था तो उसे बोल दिया करते थे कि ये जो टिप है आप उस पर्टिकुलर वेटर को क्रेडिट कर देना, ठीक है। तो बाद में आईटीसी होटल वाला जो एम्प्लॉयर है उनका, उनके अकाउंट में, वेटर्स के अकाउंट में क्रेडिट कर दिया करता था। अब यहाँ पर देखिए प्रॉब्लम क्या हुई, जब यहाँ पर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के अकाउंट में क्रेडिट कर रहा था अमाउंट उस टिप की, तो एओ ने क्या कहा होगा? एओ ने कहा होगा ये तो सैलरी है और इस पर टीडीएस डिडक्ट होना चाहिए, ठीक है। उधर आईटीसी होटल वालों का कहना था कि ये सैलरी नहीं है, ये हम अपनी तरफ से नहीं दे रहे, एम्प्लॉयर अपनी तरफ से नहीं दे रहा, ये तो जो कस्टमर्स दे के गए हैं हम वो अमाउंट क्रेडिट कर रहे हैं वेटर के अकाउंट में। दोनों में डिस्प्यूट अराइज हुआ और जो मैटर था वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा कि जो वेटर को टिप मिला करती है वो सैलरी का पार्ट नहीं होती, इवन इफ अगर जो टिप मिल रही है वो एम्प्लॉयर क्रेडिट कर रहा है वेटर के अकाउंट में, तब भी यह सैलरी नहीं मानी जाएगी और इस पर टीडीएस की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं लगेगी, ठीक है। अब दूसरी बात, एम्प्लॉय की नॉन मॉनेटरी परक्यूजिट्स पर अगर कोई एम्प्लॉयर बेटा टैक्स पे कर दिया करता था, तो याद करिए पीजीबीपी के प्रोविजंस हमने पढ़े थे, वहां पर क्या पढ़ा था कि इस टैक्स की जो डिडक्शन है वो एम्प्लॉयर को नहीं मिला करती, ठीक है। उसी प्रोविजन के रिगार्डिंग यहाँ पर बात की गई है कि इन केस अगर नॉन मॉनेटरी परक्यूजिट्स पर एम्प्लॉयर टैक्स पे कर देता है, तो जब एम्प्लॉयर ने बेटा ये टैक्स पे कर दिया तो एम्प्लॉय से इस अमाउंट पर दोबारा टैक्स नहीं लिया जाएगा, ठीक है। जो ये टैक्स पे किया गया है नॉन मॉनेटरी परक्यूजिट्स पर, इसका क्रेडिट कौन ले सकता है? एम्प्लॉय इसका क्रेडिट ले सकता है, ठीक है, समझ आ गया। यानी जो टैक्स पे किया जा रहा है नॉन मॉनेटरी परक्यूजिट्स पर, उसका जो टैक्स का क्रेडिट है वो एम्प्लॉय ले सकता है, एम्प्लॉयर को उसकी डिडक्शन नहीं मिलेगी और साथ ही एम्प्लॉय से उस अमाउंट पर दोबारा टैक्स नहीं लिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, सैलरी की टीडीएस डिडक्ट करते समय एम्प्लॉयर जो है एम्प्लॉय का पैन जो है मांगा करता है। इन केस एम्प्लॉय पैन एम्प्लॉयर को प्रोवाइड नहीं करा पाता, तो यहां पर बेटा एवरेज रेट ऑफ टैक्स नहीं लगेगा, फिर उस केस में क्या लग जाएगा? उस केस में एमएमआर लग जाएगा। अब बात करते हैं बेटा नेक्स्ट प्रोविजन की, सेक्शन 192 कैपिटल ए, प्री मेच्योर विड्रॉल फ्रॉम एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। एक एम्प्लॉय जो है बेटा अपने प्रोविडेंट फंड में से प्री मेच्योर विड्रॉल कर रहा है, तो उस केस पर भी टीडीएस लग जाएगा। कितने रेट से लगेगा? 10%। और इन केस अगर पैन नहीं प्रोवाइड कराता बेटा एम्प्लॉय एम्प्लॉयर को, तो वहां पर टीडीएस जो है एमएमआर से लग जाएगा, ठीक है। टीडीएस लगेगा कब? एट द टाइम ऑफ पेमेंट, जब पेमेंट की जा रही है एम्प्लॉय को, तब यह टीडीएस अट्रैक्ट होगा। अब यहां पर बात आती है कि सर कोई एग्जेम्पशन वगैरह भी है क्या? आंसर इज यस, एग्जेम्पशन है। इन केस जो अमाउंट है बेटा या एग्रीगेट अमाउंट है वो अप टू 50,000 तक है, तो उस केस में कोई भी टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा, ठीक है। पेयर और पेई की बात कर लेते हैं, पेयर कौन होगा इस केस में? पेयर होंगे बेटा ट्रस्टीज ऑफ द ईपीएफ स्कीम या कोई और पर्सन जो ऑथराइज किया गया है इस स्कीम के थ्रू।
वो टीडीएस डिडक्ट करेंगे। किसका पे ही कौन होगा? ऑब्वियसली एम्प्लॉई होगा, एम्प्लॉई की बात चल रही है, ठीक है, समझ आ गया। चलिए बेटा बात करते हैं सेक्शन 193 की, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। अब सिक्योरिटीज पर जो इंटरेस्ट मिल रहा है पेई को, उस पर लगता है बेटा टीडीएस, ठीक है। कितना लगेगा? रेट जो है बेटा 10% का, 10% का टीडीएस डिडक्ट होगा। और किस समय लगेगा बेटा? एट द टाइम ऑफ क्रेडिट ऑफ इनकम और एट द टाइम ऑफ पेमेंट, विच एवर इज अर्लियर। या तो पेई को बेटा पेमेंट की जा रही है या उसका अकाउंट क्रेडिट कर दिया जा रहा है, तो दोनों केसेस में जो पहले हो जाएगा तब टीडीएस के प्रोविजन अट्रैक्ट हो जाएंगे, ठीक है। पेयर और पेई की बात करते हैं। पेयर कौन होगा? वो पर्सन बेटा जो इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज दे रहा है। और पेई कौन है? एनी रेजिडेंट, ध्यान देना बेटा, एनी रेजिडेंट, जो रेजिडेंट पर्सन होगा केवल उस पर ही टीडीएस के प्रोविजन अट्रैक्ट होंगे सेक्शन 193 में, ठीक है। अब बात करते हैं बेटा सर्टेन कंडीशन की। टीडीएस ऑन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज वो डिडक्ट नहीं होगा बेटा तीन केसेस में, जब इंटरेस्ट की पेमेंट किसे की जा रही हो, या तो LIC या GIC या अदर इंश्योरर यानी इंश्योरेंस कंपनी को, या इंटरेस्ट की पेमेंट किसे की जा रही है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पर इंटरेस्ट की पेमेंट की जा रही है, तब भी डिडक्ट नहीं होगा। तीसरा डीमेट सिक्योरिटीज, जो डीमेट सिक्योरिटीज हैं या पेबल ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है इंटरेस्ट, या पेड टू LIC, GIC या अदर इंश्योरर है, तो उस तीनों केसेस में बेटा TDS जो इंटरेस्ट पर है वो डिडक्ट नहीं होगा, ठीक है। साथ ही यहां पर एक बात ध्यान देना बेटा, 8% सेविंग्स टैक्सेबल बॉन्ड्स जो 2003 में इशू हुए थे, या 7.75% सेविंग टैक्सेबल बॉन्ड्स 2018, उन केसेस में TDS कभी डिडक्ट होगा जब इंटरेस्ट की अमाउंट जो है 10,000 को एक्सीड करती है, यानी अप टू 10,000 अगर इंटरेस्ट मिलता है इन केसेस में, तो बेटा टीडीएस के प्रोविजन अट्रैक्ट नहीं होंगे। दूसरी बात करें बेटा कि अगर कोई पब्लिक कंपनी डिबेंचर इशू करती है और इन डिबेंचर पर जो इंटरेस्ट वो प्रोवाइड करा रही है, वो करा रही है सिर्फ 5,000 तक की अमाउंट का, यानी अप टू 5,000, तो उस केस में अगर ये इंटरेस्ट पे किया जा रहा है किसी HUF को या इंडिविजुअल को अकाउंट पे चेक के थ्रू, तो इस केस में बेटा TDS की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। 5,000 से ज़्यादा एक्सीड होते ही TDS लग जाएगा, 5,000 तक है तो TDS डिडक्ट नहीं किया जाएगा, ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट अब बात करते हैं बेटा सेक्शन 194 कैपिटल ए, इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। तो इस केस में जो रेट रहने वाला है TDS का, अब वो रहेगा बेटा 10%, 10% का रेट यहाँ पर भी एप्लीकेबल है। दूसरा TDS डिडक्ट कब होगा? तो TDS जो डिडक्ट होगा बेटा एट द टाइम ऑफ पेमेंट और एट द टाइम ऑफ क्रेडिटिंग सच इनकम टू द अकाउंट ऑफ SSE, विच एवर इज अर्लियर। पेयर और पेई की बात कर लेते हैं, तो लॉ यहां पर बात करता है जो पेयर है वो होगा एनी पर्सन, कोई भी पर्सन हो सकता है पेयर, बट अदर देन इंडिविजुअल्स और HUF हु वॉज नॉट लाइबल टू टैक्स ऑडिट इन द लास्ट प्रिसीडिंग ईयर। इसका मतलब क्या हुआ सर? देखिए समझिए, सेक्शन यहां पर बात करता है कि जो पेयर है वो सभी तरह के पर्सन है, इवन कंपनी है, इंडिविजुअल है, HUF है, सभी है, सभी है, एनी पर्सन। लेकिन एक्सेप्शन जो मिली है, यानी TDS के प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होंगे, किस केस में? अगर कोई इंडिविजुअल या HUF जिसका लास्ट ईयर में, लास्ट प्रीवियस ईयर में टैक्स ऑडिट नहीं हुआ है, यानी सेक्शन 44AB के अकॉर्डिंग टैक्स ऑडिट नहीं हुआ है, तो उस पर ये प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होंगे। पेई की बात करते हैं, पेई कौन होना चाहिए? एनी रेजिडेंट। पेई कौन हो सकता है बेटा? कोई भी रेजिडेंट हो सकता है, लेकिन नॉन रेजिडेंट यहां पर भी कवर नहीं है, ठीक है। अब बेटा प्रोविजन की बात कर लेते हैं, लॉ यहां पर बात करता है कि अगर इंटरेस्ट की अमाउंट अप टू 40,000 तक है, इंटरेस्ट की अमाउंट अप टू 40,000 तक है, और ये इंटरेस्ट जो पे कर रहा है वो कौन कर रहा है बेटा? बैंक कर रहा है, या कोई कोऑपरेटिव बैंक या पोस्ट ऑफिस कर रहा है किसी रेजिडेंट पर्सन को, तो उस केस में TDS के प्रोविजन अट्रैक्ट नहीं होंगे अंडर सेक्शन 194 कैपिटल ए। इन केस अगर पे रेजिडेंट सीनियर सिटीजन है, तो उस केस में बेटा ये जो लिमिट है वो 40 की ना होकर 50,000 की हो जाती है। दूसरी बात बेटा, इंटरेस्ट की पेमेंट कर रहा है कोई पर्सन अदर देन बैंक, कोऑपरेटिव बैंक या पोस्ट ऑफिस, तो उस केस में ये जो लिमिट है 40 और 50 वाली, वो हो जाएगी बेटा 5,000। 5,000 तक अगर इंटरेस्ट की पेमेंट है तो वहां पर TDS के प्रोविजन अट्रैक्ट नहीं होंगे, अदरवाइज TDS के प्रोविजन अट्रैक्ट हो जाएंगे। अगर पार्टनरशिप फर्म अपने पार्टनर्स को जो है इंटरेस्ट पे करती है, तो उस पर भी TDS के प्रोविजन अट्रैक्ट नहीं होंगे। नेक्स्ट, अगर इनकम टैक्स पर इंटरेस्ट है, तो उस पर भी बेटा TDS के प्रोविजन नहीं होंगे। सेविंग बैंक अकाउंट का इंटरेस्ट है अगर, तो उस पर भी बेटा TDS के प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होंगे।
इंटरेस्ट पे किया जा रहा है किसी बैंक को या LIC को या UTI को या किसी अदर इंश्योरर को, तो उस केस में भी बेटा TDS के प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होंगे 194 कैपिटल ए में, ठीक है। कोऑपरेटिव सोसाइटी अपने मेंबर्स को जो है इंटरेस्ट की पेमेंट करती है, तो उस केस में कोऑपरेटिव सोसाइटी पर बेटा 194 कैपिटल ए के प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होंगे। इंटरेस्ट पे किया जा रहा है बेटा किसी सेविंग स्कीम में, जैसे आपने सुना होगा किसान विकास पत्र या इंदिरा विकास पत्र या NSC सर्टिफिकेट या PO मंथली अकाउंट, ये सब क्या बेटा सेविंग स्कीम है, तो इन सेविंग स्कीम्स में अगर इंटरेस्ट की पेमेंट की जाती है बेटा तो उन पर भी TDS के प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होंगे, ठीक है। समझ आ गया आपको इतना, चलिए नेक्स्ट सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। सेक्शन 194 कैपिटल बी बात करता है बेटा विनिंग्स की, ध्यान करिए, विनिंग्स फ्रॉम एनी लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल, कार्ड गेम और एनी अदर गेम ऑफ एनी सॉर्ट, उस केस में TDS बेटा 194 बी में अट्रैक्ट हो जाया करता है। वहां पर रेट क्या लगता है TDS का, रेट लगता है बेटा 30%, और डिडक्ट कब किया जाता है TDS, TDS जो डिडक्ट होता है बेटा एट द टाइम ऑफ पेमेंट, ये डिडक्ट कर लिया जाता है। पेयर और पेई की बात करते हैं, तो पेयर कौन है, पेयर है वो पर्सन जो रेस्पॉन्सिबल है इस तरह की इनकम को पे करने के लिए, और पेई कौन है बेटा एनी पर्सन, ध्यान देना बेटा यहाँ पर रेजिडेंट वर्ड जो है वो नहीं लिखा हुआ, सिर्फ और सिर्फ एनी पर्सन लिखा हुआ है, यानी रेजिडेंट भी हो नॉन रेजिडेंट भी हो सब पर यह प्रोविजन अट्रैक्ट कर जाएगा, ठीक है। बात करते हैं बेटा कोई एग्जम्पशन की अमाउंट की, तो लो यहाँ पर बात करता है अगर विनिंग्स की अमाउंट जो है अप टू 10,000 तक है तो कोई भी TDS के प्रोविजन यहाँ पर अट्रैक्ट नहीं होंगे। चलिए नेक्स्ट सेक्शन 194 डबल बी, विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस। अब हॉर्स रेस से विनिंग आ रही है बेटा, बुक मेकर या पर्सन होल्डिंग लाइसेंस फॉर हॉर्स रेस या अरेंज कराता हो बेटा वेजरिंग या बेटिंग उस रेस हॉर्स में, वो पर्सन जो है क्या है पेयर कहलाएगा, और पे ही तो है ही एनी पर्सन। अप टू 10,000 तक अगर विनिंग्स मिलती है हॉर्स रेस की तो एग्जेम्प्ट है, मोर देन 10,000 तो टैक्सेबल एट द रेट ऑफ 30%, ठीक है। इतना समझ आ गया बेटा, चलिए बेटा बात करते हैं सेक्शन 194 सी की, पेमेंट्स टू कॉन्ट्रैक्टर, कॉन्ट्रैक्टर्स को पेमेंट की जा रही है तो उस केस में TDS का क्या रेट रहेगा, तो लॉ यहां पर बात करता है दो रेट की, दो रेट लॉ ने डिफाइन किए हैं कि अगर कॉन्ट्रैक्टर इंडिविजुअल है या HUF है तो उस केस में जो TDS का रेट रहेगा वो रहेगा 1%, बाकी अदर केसेस में TDS का रेट जो है वो रहता है 2%, ठीक है। TDS अट्रैक्ट कब होता है, तो लॉ डिफाइन करता है एट द टाइम ऑफ पेमेंट और एट द टाइम ऑफ क्रेडिटिंग सच अमाउंट इन द अकाउंट ऑफ कॉन्ट्रैक्टर विच एवर इज अर्लियर। पेयर और पेई की बात करते हैं बेटा, तो पेयर में बेटा एनी पर्सन, बट HUF और इंडिविजुअल को छोड़कर जिनका लास्ट प्रीवियस ईयर में टैक्स ऑडिट ना हुआ हो। पेई की बात करते हैं तो एनी रेजिडेंट पर्सन, ये भी बेटा प्रोविजन सेम है 194 कैपिटल ए वाले, ठीक है। चलिए बेटा बात करते हैं एग्जम्पशन के रिगार्डिंग के प्रोविजंस की, तो लॉ यहाँ पर बात करता है कि अगर सिंगल पेमेंट हो रही है कॉन्ट्रैक्ट के अमाउंट की अप टू 30,000 रुपीज़ तक, तो उस केस में बेटा TDS के प्रोविजन अट्रैक्ट नहीं होंगे, और एग्रीगेट जो पेमेंट है उन कॉन्ट्रैक्ट की अमाउंट की वो हो जाती है बेटा 1,00,000 तक पूरे ईयर में, तो उस केस में भी बेटा TDS के प्रोविजन अट्रैक्ट नहीं करेंगे। लेकिन बेटा अगर सिंगल पेमेंट जो है 30,000 से ज़्यादा एक्सीड कर जाती है तो वहाँ पर क्या होगा, TDS के प्रोविजन अट्रैक्ट कर जाएंगे। इन केस सिंगल पेमेंट जो है कॉन्ट्रैक्ट की वो 30,000 को एक्सीड नहीं करती, लेकिन जो एग्रीगेट पेमेंट हो रही है उन कॉन्ट्रैक्ट्स की पूरे ईयर में वो 1,00,000 को एक्सीड कर जाती है, तो तब भी बेटा TDS के प्रोविजन अट्रैक्ट कर जाएंगे, ठीक है। समझ आ गया, दूसरी बात समझिए बेटा, अगर पर्सनल पर्पस के लिए एक इंडिविजुअल या HUF कॉन्ट्रैक्ट की पेमेंट करते हैं तो उस केस पर TDS नहीं लगेगा। नेक्स्ट अब बात करते हैं बेटा वर्क, लॉ ने डिफाइन किया है कि जो कॉन्ट्रैक्ट होगा उसमें वर्क की क्या डेफिनेशन हो, तो लॉ डिफाइन करता है वर्क इंक्लूड्स, वर्क में इंक्लूड हो जाएगा क्या, कोई एडवर्टीजमेंट के लिए कॉन्ट्रैक्ट दिया है तो बेटा 194 सी में आ जाएगा वर्क कॉन्ट्रैक्ट्स, ब्रॉडकास्ट का है, कोई टेलीकास्ट का है, या कोई कैटरिंग के लिए कॉन्ट्रैक्ट है तब भी इस कैटेगरी में फॉल करेगा, या ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स है बेटा तब भी इसमें आएगा, या ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर है तब भी इस कैटेगरी में फॉल करेगा। लेकिन ध्यान दे, ट्रांसपोर्टेशन अगर पैसेंजर का होता है अदर देन रेलवे तभी यहाँ पर आएगा। नेक्स्ट, अगर कोई असेसी मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है या सप्लाई कर रहा है किसी प्रोडक्ट की एज पर द स्पेसिफिकेशन ऑफ हिज कस्टमर, तभी वो जो कॉन्ट्रैक्ट होगा बेटा वो इस कैटेगरी में फॉल कर जाएगा, वर्क की डेफिनेशन में इंक्लूड हो जाएगा। लेकिन लो यहाँ पर एक कंडीशन और बात करता है कि जो मटेरियल परचेज होना चाहिए वो उसी कस्टमर से होना चाहिए जिस कस्टमर की स्पेसिफिकेशन पर कॉन्ट्रैक्ट बनाया जा रहा है। इनकेस मैन्युफैक्चरिंग की जा रही है या सप्लाई किया जा रहा है बेटा प्रोडक्ट एज पर द कस्टमर रिक्वायरमेंट,
बट जो मटेरियल परचेज कर रहे हैं वो किसी अदर क्लाइंट से परचेज कर रहे हैं, तब ये जो कॉन्ट्रैक्ट होगा बेटा वर्क कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहलाएगा, 194C में ये फॉल नहीं करेगा। एक बात और समझिए, अगर ट्रांसपोर्टर को पेमेंट की जा रही है और उस ट्रांसपोर्टर के पास बेटा 10 व्हीकल से ज़्यादा नहीं है एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, तो उस केस में बेटा TDS के प्रोविजन यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होंगे, 194C एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, अब बात करते हैं बेटा जॉब वर्क की। तो जॉब वर्क के केस में जो TDS डिडक्ट होगा वो इनवॉइस वैल्यू पर डिडक्ट किया जाएगा, जिसमें से मटेरियल की वैल्यू जो है बेटा एक्सक्लूड कर दी जाएगी, अगर मटेरियल की वैल्यू जो है सेपरेटली इनवॉइस में दिखा रखी है। ठीक है, अदरवाइज अगर ये सेपरेटली नहीं दिखाई हुई तो पूरी अमाउंट जो है इनवॉइस की उस पे TDS डिडक्ट किया जाएगा। साथ ही यहां पर ध्यान देना बेटा, जो कॉन्ट्रैक्ट वर्ड है उसमें सब कॉन्ट्रैक्ट को भी इंक्लूड किया हुआ है। चलिए बेटा बात करते हैं CBDT के सर्कुलर की। पहला जो सर्कुलर है वो बात करता है TDS की डिडक्शन की ऑन पेमेंट ऑफ गैस ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस बाय द परचेजर ऑफ नेचुरल गैस टू द सेलर ऑफ गैस। देखिए कि इस केस में क्या हो रहा है, नेचुरल गैस जो है परचेज कर रहा है SSE सेलर ऑफ नेचुरल गैस से। अब इस केस में देखिए सेलर क्या करता है, नेचुरल गैस की सेल भी कर रहा है परचेजर को और साथ ही वो उसका ट्रांसपोर्टेशन भी करता है। क्वेश्चन जो अराइज होता है यहाँ पर कि जो ये ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस इंक्लूड किए गए हैं इनवॉइस में, क्या इन पर 194C में TDS कटेगा? तो CBDT ने सर्कुलर में स्पेसिफाई किया कि इन ट्रांसपोर्टेशन की अमाउंट पे TDS डिडक्ट नहीं होगा, 194C में ये एप्लीकेबल नहीं होते। ठीक है, नेक्स्ट सर्कुलर की बात करते हैं कि जो TV चैनल्स होते हैं या ब्रॉडकास्टर होते हैं वो पेमेंट करते हैं बेटा प्रोडक्शन हाउसेस को, तो उस केस में जो प्रोडक्शन हाउसेस को पेमेंट की जा रही है क्या वो 194C में अट्रैक्ट होगा उसमें TDS, यस और नो? तो CBDT ने डिफाइन किया कि दो तरीके से यहाँ पर ट्रांजेक्शन हुआ करती है। नंबर वन, ब्रॉडकास्टर की स्पेसिफिकेशन पर, उनकी रिक्वायरमेंट पर प्रोडक्शन हाउस जो है बेटा प्रोग्राम्स बनाते हैं और उस प्रोग्राम के रिगार्डिंग ब्रॉडकास्टर या बेटा TV चैनल जो है उन प्रोडक्शन हाउसेस को पेमेंट कर देते हैं। ठीक है, दूसरी जो ट्रांजेक्शन होती है वो क्या होती है कि जो ब्रॉडकास्टर होते हैं या TV चैनल होते हैं वो एक्वायर कर लेते हैं प्रोडक्शन हाउस के जो प्रोग्राम ऑलरेडी बने होते हैं उनके राइट्स को। तो इन दोनों केसेस में 194C किस में अट्रैक्ट होगा? तो याद करिए बेटा, अभी हमने वर्क्स की डेफिनेशन पढ़ी थी कि अगर कस्टमर के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनाया जाता है तो उस केसेस में क्या हुआ करता था बेटा, वो वर्क्स में इंक्लूड हो जाया करता था। तो इसी वजह से जो फर्स्ट केस है वो वर्क्स की डेफिनेशन में कवर हो जाएगा और 194C वहाँ पर अट्रैक्ट हो जाएगा। अगर TV चैनल ब्रॉडकास्टर प्रोडक्शन हाउस को सिंपल पेमेंट कर देते किसी प्रोग्राम के राइट को एक्वायर करने के लिए, तो उस केस में बेटा वो 194C में नहीं आएगा। ठीक है, समझ आ गया। चलिए यहाँ पर बेटा हमारा 194C खत्म होता है। अब नेक्स्ट सेक्शन की तरफ बात करते हैं। नेक्स्ट है बेटा हमारा 194D, ये बात करता है इंश्योरेंस कमीशन की। इंश्योरेंस कमीशन पे किया जा रहा है बेटा तो उस केस में TDS क्या होगा? तो रेट क्या रहेगा TDS का? लॉ बात करता है 5% का। TDS अट्रैक्ट कब होगा? एट द टाइम ऑफ क्रेडिट ऑफ सच इनकम और पेमेंट ऑफ इनकम, विच एवर इज अर्लियर। दोनों में जो जल्दी हो जाए TDS लग जाएगा। अब बात करते हैं बेटा पेयर और पेई की। तो पेयर जो है इस केस में वो है बेटा इंश्योरेंस कंपनी, यानी इंश्योरेंस कंपनी जब इंश्योरेंस कमीशन की पेमेंट करेगी तो TDS लग जाएगा। लेकिन पेई कौन है, किसे पेमेंट करेगी तब TDS लगेगा? तो पेई जो है बेटा वो है रेजिडेंट एजेंट, जो रेजिडेंट एजेंट है इंश्योरेंस कंपनी का उस पर ये सेक्शन एप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक है, एग्जम्पशन के रिगार्डिंग बात करते हैं। अगर इंश्योरेंस कमीशन की अमाउंट अप टू 15,000 तक है एक फाइनेंशियल ईयर में तो TDS के प्रोविजन अट्रैक्ट नहीं होंगे, 15,000 से ज़्यादा है तो TDS के प्रोविजन अट्रैक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट इज सेक्शन 194DA, जो बात करता है TDS की ऑन मैच्योरिटी प्रोसीड्स ऑफ ए लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, यानी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी मैच्योर हो गई है उस पर जो मिलने वाला सम है उस पर TDS की क्या एप्लीकेबिलिटी है। तो यहाँ पर जो रेट है बेटा वो दो रेट है, 1% का रेट हुआ करता था पहले, लेकिन 5% का जो रेट है वो एप्लीकेबल हो गया है 1 सितंबर 2019 से। अगर आपके एग्जाम में कोई ट्रांजेक्शन आती है 1 सितंबर 2019 से पहले की तो आप वहाँ पर रेट क्या लेंगे, 1%। इन केस 1 सितंबर 2019 के बाद की कोई ट्रांजेक्शन है तो रेट वहाँ पर 5% लेना बेटा, गलती मत करना। ठीक है, तो TDS कब लगेगा बेटा? एट द टाइम ऑफ पेमेंट। ध्यान देना यहाँ पर सिर्फ पेमेंट के समय TDS लग रहा है। ठीक
ठीक है, अब बात करते हैं पेयर और पेई की। तो पेयर कौन है बेटा इस केस में? एनी पर्सन पेयर है और एनी रेजिडेंट पर्सन वो क्या है? पेई। अब बात करते हैं बेटा अमाउंट के रिगार्डिंग कोई एग्जम्पशन है क्या? तो लॉ बात करता है कि अगर एग्रीगेट अमाउंट ऑफ पेमेंट एक फाइनेंशियल ईयर में या सिंगल पेमेंट एक फाइनेंशियल ईयर में 1 लाख तक है तो कोई टीडीएस नहीं लगेगा। दूसरी बात, अगर अमाउंट सेक्शन 10-10D में एग्जम्प्ट है तो उस केस में टीडीएस के प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होंगे। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं सेक्शन 194E की, जो बात करता है टीडीएस ऑन पेमेंट टू नॉन रेजिडेंट स्पोर्ट्स पर्सन एसोसिएशन और एंटरटेनर। आईपीएल देखे होंगे आपने, आईपीएल में देखा होगा चीयर लीडर्स जो होती है, अब उन्हें पेमेंट की जा रही है बेटा, वो कहां पे अट्रैक्ट होगा उनका टीडीएस? वो होगा 194E में। नॉन रेजिडेंट स्पोर्ट्समैन है, कोई एसोसिएशन है, उनकी पेमेंट की जा रही है तो उस केस में टीडीएस कहां अट्रैक्ट होगा? 194E में अट्रैक्ट होगा। ठीक है, बात करते हैं रेट की कि कितना होगा। तो लॉ यहां पर डिफाइन करता है 20% का जो रेट है वो एप्लीकेबल हो जाएगा। 20% का टीडीएस लगेगा उस केस में। लगेगा कब? एट द टाइम ऑफ पेमेंट और एट द टाइम ऑफ क्रेडिटिंग सच अमाउंट टू द अकाउंट ऑफ एसएससी, विच एवर इज अर्लियर, दोनों में जो अर्लियर हो। ठीक है, पेयर कौन होगा? तो पेयर होगा बेटा एनी पर्सन, और पेई कौन है हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, नॉन रेजिडेंट स्पोर्ट्समैन, नॉन रेजिडेंट एंटरटेनर या नॉन रेजिडेंट स्पोर्ट्स एसोसिएशन, तीनों केसेस में नॉन रेजिडेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब बात करते हैं 194EE की, पेमेंट ऑफ डिपॉजिट अंडर नेशनल सेविंग स्कीम। नेशनल सेविंग स्कीम में कोई पेमेंट हो रही है एसएससी को तो उस पर बेटा टीडीएस लग जाएगा। रेट क्या रहेगा? रेट रहेगा बेटा 10% का। और सर ये टीडीएस डिडक्ट कब होगा? एट द टाइम ऑफ पेमेंट बेटा ये डिडक्ट हुआ करता है। पेयर और पेई, पेयर के केस में बेटा एनी पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग यानी एनी पर्सन, और पेई कौन है? सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल और एचयूएफ पर ही ये सेक्शन अट्रैक्ट होगा। अमाउंट के रिगार्डिंग कोई एग्जम्पशन है क्या? देखते हैं बेटा, लॉ बात करता है अप टू 2500 इन ए फाइनेंशियल ईयर, यानी 2500 एक साल में अगर किसी इंडिविजुअल या एचयूएफ को मिलते हैं तो उस पर कोई टीडीएस नहीं लगेगा। अमाउंट एक्सीडिंग ₹2500 तो वहां पर टीडीएस बेटा लग जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट सेक्शन। नेक्स्ट सेक्शन इज बेटा 194G, जो बात करता है कमीशन ऑन सेल ऑफ लॉटरी टिकट की। लॉटरी टिकट की जो कमीशन होती है बेटा उस केस पर भी टीडीएस लगता है। किस रेट से लगता है? तो रेट इज बेटा 5%। लगता कब है? एट द टाइम ऑफ क्रेडिट ऑफ इनकम और एट द टाइम ऑफ पेमेंट, विच एवर इज अर्लियर, दोनों में जो पहले हो जाए उस पर बेटा टीडीएस लग जाएगा। बात करते हैं पेयर और पेई की। तो जो पेयर है इस केस में वो है बेटा एनी पर्सन, और पेई जो है वो भी है एनी पर्सन। दोनों केसेस में एनी पर्सन है, कोई भी हो सकता है पेयर और पेई। ठीक है, अमाउंट के रिगार्डिंग एग्जेम्पशन वो मिली है बेटा 15,000 की। अगर कमीशन की अमाउंट लॉटरी टिकट की सेल पर अप टू 15,000 तक है तो उस केस में कोई टीडीएस नहीं लगेगा। 15,000 को एक्सीड करती है वैल्यू तो उस केस में बेटा लग जाएगा टीडीएस एट द रेट ऑफ 5%। चलिए नेक्स्ट प्रोविजन की बात करते हैं सेक्शन 194H। ये बात करता है बेटा टीडीएस ऑन कमीशन एंड ब्रोकरेज। कमीशन या ब्रोकरेज पे की जा रही है तो उस पर बेटा लगता है टीडीएस। ठीक है, रेट क्या रहता है सर? रेट रहता है 5%। और टीडीएस कब अट्रैक्ट होता है? टीडीएस अट्रैक्ट हो जाता है बेटा एट द टाइम ऑफ पेमेंट और एट द टाइम ऑफ क्रेडिटिंग ऑफ सच इनकम, विच एवर इज अर्लियर, दोनों में जो पहले हो जाए उस पर टीडीएस लग जाया करता है। पेयर और पेई कौन है सर? तो पेयर इस केस में है बेटा एनी पर्सन, लेकिन ध्यान देना वो इंडिविजुअल या एचयूएफ जिनका लास्ट प्रीवियस ईयर में ऑडिट नहीं हुआ है, कौन सा ऑडिट? टैक्स ऑडिट, उस पर ये सेक्शन लगेगा नहीं। ठीक है, और पेई कौन है? तो पेई बेटा एनी रेजिडेंट पर्सन। ठीक है, 15,000 तक की अगर अमाउंट मिलती है बेटा एक फाइनेंशियल ईयर में कमीशन या ब्रोकरेज की तो उस केस पर सेक्शन 194H एप्लीकेबल नहीं होता। एक बात और ध्यान देना बेटा, जो कमीशन या ब्रोकरेज मिल रहा है किसी सिक्योरिटीज के रिगार्डिंग, जैसे अंडरराइटर को कमीशन दिया जा रहा है या पब्लिक इशू पे कोई ब्रोकरेज दिया जा रहा है या स्टॉक एक्सचेंज ट्रांजेक्शन है उस पर कोई ब्रोकरेज दिया जा रहा है, तो उन पर बेटा ये सेक्शन 194H एप्लीकेबल नहीं होता। ठीक है, समझ गए आप। चलिए नेक्स्ट सेक्शन की बात करते हैं 194I की। ये बात करता है बेटा टीडीएस ऑन रेंट। अगर रेंट की पेमेंट हो रही है तो उस केस में टीडीएस लग जाता है। रेट क्या रहेगा सर? तो रेट यहां पर रहते हैं बेटा दो। एक होता है बेटा प्लांट एंड मशीनरी और अदर इक्विपमेंट्स के लिए, और दूसरा रेट होता है किसी लैंड या बिल्डिंग या लैंड अपर्टेनेंट टू अ बिल्डिंग, उसके रिगार्डिंग रेट होता है। ठीक है, प्लांट और मशीनरी या इक्विपमेंट्स के लिए जो रेट एप्लीकेबल होता है रेंट पर वो होता है बेटा 2% का, और लैंड और बिल्डिंग के लिए क्या एप्लीकेबल होता है? वो होता है बेटा 10% का। ठीक है,
टीडीएस के प्रोविजन कब अट्रैक्ट होंगे सर? तो टीडीएस के जो प्रोविजन अट्रैक्ट होते हैं वो हुआ करते हैं बेटा एट द टाइम ऑफ क्रेडिट ऑफ इनकम और एट द टाइम ऑफ पेमेंट, विच एवर इज अर्लियर, दोनों में जो पहले हो जाए टीडीएस के प्रोविजन लग जाया करते हैं। पेयर और पेई को समझिए बेटा, पेयर यहां पर एनी पर्सन है बट वो इंडिविजुअल या एचयूएफ जिसका प्रीवियस ईयर में टैक्स ऑडिट नहीं हुआ उस पर 194i के प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होते। पेई एनी रेजिडेंट पर्सन, कोई भी रेजिडेंट पर्सन जिसे रेंट की पेमेंट मिल रही है उस पर टीडीएस का प्रोविजन अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। अमाउंट के रिगार्डिंग कोई एग्जेम्पशन? यस, 240,000 तक की अगर अमाउंट है रेंट की पूरे फाइनेंशियल ईयर में तो उस केस में कोई भी टीडीएस के प्रोविजन एप्लीकेबल बेटा नहीं होते। लेकिन यहां पर बेटा कुछ बातों का ध्यान रखना, इन केस बेटा ओनर प्रॉपर्टी के एक नहीं दो हैं तो क्या सर ये 240,000 वाली जो लिमिट है दोनों ओनर के लिए एक हो जाएगी, क्लब हो जाएगी या अलग अलग मिलेगी? तो बेटा लॉ यहां पर बात करता है कि दोनों को ओनर्स को ये लिमिट जो है अलग अलग अप्लाई होगी, ठीक है। अगर दो ओनर है तो 240,000 मिलेगी फर्स्ट ओनर को और सेकंड ओनर को भी 240,000 की मिलेगी, ठीक है। दूसरी बात बेटा, अगर कोई डिपॉजिट दिया जाता है नॉन रिफंडेबल नेचर का, या रेंट के जो अरियर थे वो रिसीव हो रहे हैं, या असेसी को एडवांस रेंट रिसीव हो रहा है, तो उस केस में क्या टीडीएस के प्रोविजन लगेंगे? आंसर इज यस बेटा, टीडीएस के प्रोविजन लग जाएंगे। तीसरी बात ध्यान रखना बेटा, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई थी, जो लैंडिंग और पार्किंग चार्जेस पेड करती हैं एयरलाइंस कंपनी एयरपोर्ट अथॉरिटी को, फिर से सुनिए, जो लैंडिंग और पार्किंग चार्जेस पेड करती हैं एयरलाइंस कंपनी एयरपोर्ट अथॉरिटी को, तो उन पर जो टीडीएस लगा करता है बेटा वो लगता है 194C में, 194I में नहीं लगता। ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई थी, दो केसेस में आई थी, उसके बाद ये प्रोविजन बन गया। म्युनिसिपल टैक्सेस अगर बेटा रेंट में दिए हुए हैं तो उस पर आपको टीडीएस डिडक्ट नहीं करना, म्युनिसिपल टैक्सेस को रेंट में से एक्सक्लूड कर देना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब सेक्शन की बात करते हैं 194IA, पेमेंट ऑन ट्रांसफर ऑफ सर्टेन इमूवेबल प्रॉपर्टीज। अब देखिए बेटा, ट्रांसफर किया जा रहा है इमूवेबल प्रॉपर्टी का, तो वहां पर भी टीडीएस की रिक्वायरमेंट है। क्या रेट है सर? रेट है बेटा 1% का। टीडीएस के प्रोविजन कब अट्रैक्ट होंगे? तो बेटा एट द टाइम ऑफ क्रेडिट ऑफ सच सम और एट द टाइम ऑफ पेमेंट, विच एवर इज अर्लियर, दोनों में जो पहले हो जाएगा उस पर टीडीएस अट्रैक्ट हो जाएगा। पेयर और पेई को समझिए बेटा, तो लो यहां पर बात करता है एनी पर्सन, पेयर कौन है? एनी पर्सन, और पेई कौन है? रेजिडेंट पर्सन होना चाहिए, ध्यान देना बेटा। आप जो गलती करेंगे वो ये करेंगे कि पेयर और पेई को समझने में गलती कर देंगे। ध्यान रखना हमेशा, जब भी आप टीडीएस के क्वेश्चन करेंगे तो तीन बातों का हमेशा ध्यान रखना। सबसे पहले पेयर और पेई कौन है इस बात का ध्यान रखना, रेट क्या एप्लीकेबल होगा ये देखना, और तीसरा जो थ्रेशहोल्ड लिमिट है टीडीएस की उसे भी ध्यान में रखना। तीन बातें माइंड में रखना, टीडीएस का सेक्शन भले ही याद हो ना हो लेकिन कंसेप्ट आपको याद होगा तो एग्जामिनर आपको मार्क्स देगा, वो डिडक्ट नहीं करेगा, ठीक है बेटा। इस लॉजिक को हमेशा ध्यान रखना। चलिए अब बात कर लेते हैं कोई थ्रेशहोल्ड लिमिट है क्या, तो आंसर इज यस, थ्रेशहोल्ड लिमिट मिली हुई है। अगर कंसिडरेशन उस इमूवेबल प्रॉपर्टी की अप टू 50 लाख है तो उस केस में बेटा टीडीएस के प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होंगे, मोर देन 50 लाख है तो टीडीएस के बेटा प्रोविजन एप्लीकेबल हो जाएंगे। लेकिन यहां पर ध्यान देना कि सर कंसिडरेशन हम लेंगे क्या, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू लेंगे या एक्चुअल कंसिडरेशन लेंगे, तो वहां पर बेटा कैपिटल गेन्स के चैप्टर के प्रोविजन मत एप्लीकेबल कर देना। ये आपने कैपिटल गेन चैप्टर में पढ़ा था कि SDV हम ले लिया करते हैं, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू अगर एक्चुअल कंसिडरेशन कम है SDV से, वो सारी प्रोविजन यहां पर एप्लीकेबल मत करना। एक्चुअल कंसिडरेशन का मतलब है एक्चुअल कंसिडरेशन, यानी वो कंसिडरेशन जिस पर ट्रांसफर की जा रही है, भले ही SDV से कम पर हो या ज्यादा पर हो, ये बातें वहां मत लाना, सेक्शन 50C मत अप्लाई कर देना, ठीक है, समझ गए। दूसरी बात और समझिए बेटा, कंसिडरेशन अगर पार्ट्स में मिल रही है और टोटल कंसिडरेशन 50 लाख से एक्सीड करती है तो बेटा हर पार्ट पर TDS डिडक्ट होगा। जैसे बात करें बेटा, कंसिडरेशन जो है वो है 60 लाख, तो असेसी एक बार 30 लाख की पेमेंट करता है, फिर बाद में 30 लाख की करता है, पेमेंट तो हालांकि 50 लाख से कम कर रहा है वो, लेकिन लॉ क्या बात करता है, एक्चुअल कंसिडरेशन पर सेक्शन लगता है। तो एक्चुअल कंसिडरेशन क्या है इस केस में? 60 लाख है, तो इस वजह से 194IA वहां पर अट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है बेटा। अगर क्वेश्चन में कंसिडरेशन में कुछ चार्जेस दिए हुए हैं जैसे मेंबरशिप फी या कार पार्किंग फी या इलेक्ट्रिसिटी या वाटर फैसिलिटी या मेंटेनेंस फी, ऐसी कोई सिमिलर चार्जेस की फीस दी हुई है तो बेटा उन्हें इंक्लूड कर लेना, कंसिडरेशन का वो पार्ट होंगी क्योंकि वो इंसिडेंटल होती है टू द ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। अगर इंसिडेंटल नहीं है
ट्रांसफर ऑफ इमोवेबल प्रॉपर्टी के तो बेटा उन्हें ऐड मत करना, लेकिन अगर इंसिडेंटल हैं तो उन्हें ऐड कर लेना। एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया, लिखना चाहे आप लिख सकते हैं, लिख लीजिए। जैसे बेटा कोई मेंबरशिप फीस है, क्लब मेंबरशिप फीस, इसका एक एग्जाम्पल हो गया। कोई कार पार्किंग फी है, या इलेक्ट्रिसिटी या वाटर फैसिलिटी फी है, कोई मेंटेनेंस फी है, या बेटा एडवांस फी है, या इनसे मिलता जुलता कोई अदर एक्सपेंसेस है, तो उन्हें कंसिडरेशन में इंक्लूड कर लिया जाता है। ठीक है, समझ आ गया बेटा इतना? ठीक है, तो बेटा आज की क्लास में इतना ही करते हैं। तो बेटा ये थी हमारी आज की क्लास, अब आप करिए इसका रिवीजन। इन केस अगर आपको आती कोई प्रॉब्लम तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, या आप हमें व्हाट्सएप या टेलीग्राम कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप या टेलीग्राम नंबर है 8287377353। तो बेटा मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।